स्टेडियम की बदहाली और दुर्दशा का जिम्मेदार आखिर कौन? गिरिडीह जिला स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सौजन्य से नवंबर 1987 में हुआ था स्टेडियम का निर्माण। निर्माण के उपरांत इस स्टेडियम में खेला गया था बिहार और त्रिपुरा के बीच एक रणजी ट्रॉफी मैच। बेहतर रखरखाव और देखभाल के अभाव ने किया स्टेडियम की दुर्दशा। दर्शक दीर्घा में हर जगह उग आई है बड़ी बड़ी झाड़ियां। आउटफील्ड भी हो चुके हैं पूरी तरह से बंजर और घास विहीन। यहां पर पेयजल की सुविधा भी आम लोगों के लिए और खिलाड़ियों के लिए नहीं है मयस्सर। समय अंतराल पर आयोजित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हैं इस स्टेडियम की बदहाली के जिम्मेदार। प्रशासन के द्वारा महज खानापूर्ति के लिए 15 अगस्त और 26 जनवरी में झंडा फहराने से पूर्व किया जाता है साफ सफाई का प्रबंध। पेश है जिले में खेल और स्टेडियम से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूर्व क्रिकेटर राजेश सिन्हा के साथ विशेष बातचीत पर आधारित यह साक्षात्कार। इस समय मैं गिरिडीह जिला स्टेडियम में हूँ। तस्वीर स्क्रीन पर आप अगर देखें तो गिरिडीह स्टेडियम के अंदर का जो दृश्य है वो आपको दिखेगा। देखिए गिरिडीह जिले का मुख्य स्टेडियम मुफस्सिल थाना के ठीक बगल में और शहर के अगर बीच में कहा जाए तो भी ये गलत नहीं होगा। गिरिडीह स्टेडियम का एक पुराना इतिहास रहा है। हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश सिन्हा जो कि गिरिडीह जिले में अपनी एक पहचान रखते हैं। जिस फील्ड में जाएं उस फील्ड में उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं राजेश सिन्हा जो हैं उनकी एक पहुंच है, उपयोगिता है। बात अगर खेल की जाए तो ये क्षेत्र भी इनसे अछूता नहीं रहा है। गिरिडीह से लेकर रांची तक ये खुद क्रिकेट खेले हैं और क्रिकेट के क्षेत्र से जुड़े हुए जो बड़े बड़े दिग्गज हैं और अगर कहा जाए कि झारखंड का सबसे बड़ा नाम क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं इनका एक संबंध रहा। हमारे साथ सिन्हा जी हैं, ये विभिन्न बिंदुओं पर बात करते हैं खेल खिलाड़ी और जो ये जो स्टेडियम हम लोगों का है इस विषय में। सिन्हा जी आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो खेल के मैदान में हम लोग हैं, स्टेडियम में हम लोग हैं, खेल की बात की जाए कितना अनुभव आपके पास खेल का? देखिए चूंकि स्टेडियम में आके बात कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। हम पहले धन्यवाद देते हैं आपको। खेल तो हम लोग जब मेरा गांव तो यहाँ पे बगल में बिरनी थाना है और पोखरिया से हम हैं। हम थोड़ा लेट से शहर आए, बाकी पापा लोग तो शहर में ही रहते थे। सभी भाई बहन शहर में ही पढ़े पैदा हुए, हम भी सदर हॉस्पिटल में पैदा लिए। लेकिन जब से होश संभाला खेल के प्रति बहुत लगाव रहा। सबसे पहले हम खेलते थे, डंडा खेलते थे, ताली वगैरह खेलते थे, लेकिन बाद के दिनों में क्रिकेट में एक नशा सा आ गया। फुटबॉल आदि पर विशेष हम लोग का रहा प्रैक्टिस करते थे लेकिन क्रिकेट में फिर हम बढ़ चढ़ कर साथ देने लगे और इसमें आए थे। अंदर से बैटिंग खेले जिला से 17 साल से कम का अंडर 19 खेले, फिर जिले का जो सीनियर से जब बिहार और झारखंड एक था उस समय दो को सिलेक्शन होना था रेस्ट ऑफ बिहार वगैरह में, तो हम कई सीनियर लोग का हुआ था लेकिन बाद में फिर हमारा और झारखंड था खेड़ी से सिलेक्शन करके डाल्टनगंज भेजा गया, डाल्टनगंज से कीनन स्टेडियम भेजा गया। तो ये जो स्टेडियम है वो कीनन स्टेडियम के आधारित मैंने बना हुआ है। आप कीनन स्टेडियम को देखें और इस स्टेडियम को देखें उसका तो पूरा बनावट जो है वो उसी प्रकार है सेम। तो गिरिडीह जिला का ये जो स्टेडियम है इसकी संरचना और इसका जो निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रेरित है कीनन स्टेडियम जमशेदपुर से। खेल से आपका काफी पुराना लगाव रहा है, जुड़ाव रहा है, काफी क्रिकेट खेले हैं आप, काफी खिलाड़ियों के साथ आपकी जान पहचान भी रही है। स्टेडियम गिरिडीह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर समय अंतराल पर तो छोड़िए, वर्ष में भी कभी भी ऐसा कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं होता है। क्या कारण है कि एक तरह से उपेक्षा का दंश झेल रहा है हमारा ये स्टेडियम?
देखिए ये स्टेडियम जो बनाया गया इंटरनेशनल के हिसाब से बनाया गया है, नाप अच्छा है और 25,000 इसका कैपेसिटी है। और शुरुआती तौर पर किन्नर स्टेडियम का भी यही था, लुक भी यही था। आप चारों तरफ देखेंगे वहाँ पे भी रोड के किनारे स्टेडियम है, सेम स्टाइल में बनाया गया है। और जब बनाया गया तो यहाँ बिहार त्रिपुरा का मैच भी रणजी हुआ था, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ी भी खेले गए थे। अविनाश कुमार जो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इसके अलावा कई ऐसे खिलाड़ी इस मैदान में खेले हैं। रणजी मैच की आप बात कर रहे हैं बिहार और त्रिपुरा के बीच, वो क्या एकमात्र मैच यहाँ रणजी लेवल का था या फिर और मैचेस हुए? रणजी लेवल का मैच उस समय स्टेडियम इतना बढ़िया था, इतना खूबसूरत था, इतना बढ़िया रख रखाव था कि उस समय मैच हुआ करता। लेकिन बाद के दिनों में जब झारखंड बिहार अलग हुआ तो बहुत ज्यादा यहाँ मैच, जबकि देना चाहिए था। ये स्टेडियम इतना बेहतर है कि अगर इसका रख रखाव हो, अभी हाल के दिनों में आप देखे होंगे कि जैसे संतोष तिवारी और चाहे वो प्रेम जी चाहे पूरा ग्रुप जिस प्रकार से खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, रमेश यादव पूरा ग्रुप जिस प्रकार से, कई नाम हम भूल जा रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन पूरा ग्रुप गिरिडीह के लोग जिस प्रकार से क्रिकेटर पर ध्यान दे रहे हैं, यहाँ से 22 लोग जो है 22 लोग 25 लोग यहाँ से स्टेट खेल रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है जब स्टेट खेलने वाला गिरिडीह में हो। देखिए आप खुद देखें अगर तो स्टेडियम में जो दर्शक दीर्घा है चारों तरफ, जहां कहीं भी आप देखेंगे पूरे के पूरे दर्शक दीर्घा की अगर बात की जाए तो बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई, जहां दर्शकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगनी चाहिए थी उन स्थानों पर हर जगह ऊंची ऊंची झाड़ियां जो है वो दिखाए हुए हैं। तो किस तरह का यहाँ पर देख रेख हो रहा है, क्या जिला क्रिकेट विभाग जो है क्या इन चीजों से अनभिज्ञ है, क्या यहाँ की समस्याएं जो है उन लोगों को नजर नहीं आ रही है? ये तो बात हो गई रख रखाव के अभाव में यहाँ की दुर्दशा दिख रही है सामने से, क्या और दूसरी जो सुविधाएं मूलभूत यहाँ होनी चाहिए वो यहाँ पर मयस्सर है खिलाड़ियों के लिए? देखिए ये जो स्टेडियम है सबसे पहले क्रिकेट एसोसिएशन का नहीं, ये जो स्टेडियम है वो है आपका एथलीट एसोसिएशन का, एथलीट एसोसिएशन। तो उसके अंतर्गत में क्रिकेट ले लेते हैं, चाहे फुटबॉल ले लेते हैं, चाहे जो भी आप एथलीट कराते हैं उसके अंतर्गत में आप मुख्य रूप से लेते हैं वो होता है। ये सीसीएल के अंतर्गत आता है, सीसीएल के क्षेत्र पे सीसीएल के जमीन पे बना है। सीसीएल के जो पीओ साहब हैं, सीसीएल के जो चीफ साहब हैं, उसके साथ अगर खेल मंत्री इस पे डायरेक्ट जो है वो कर सकते हैं, सिर्फ आके बोल देना हम ये करेंगे वो करेंगे फलाना ढिकाना, वैसा नहीं होता है। जबकि इस स्टेडियम को इतना बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्टेडियम में मूलभूत सुविधाओं की कमी है, पानी नहीं है यहाँ, सबसे पहले यहाँ पानी नहीं, पानी पास नहीं है, पास आइए थोड़ा सा पास है, सिन्हा जी क्या बोल रहे हैं समस्या? पानी नहीं है और यहाँ जो घास जिसको ग्रीन ग्रीन पहले हुआ करता था, बीच में यहाँ पे बड़े बड़े आने लगे, बड़े नेता लोग आने लगे, डस्ट बिछाते पूरे घास पर डस्ट बिछाते। अब ऐसा हालत हो गया कि जो घास था वो अंदर चला गया, भाषण देके तो अगला निकल गया। तो उस पर हमने राहुल कुमार सिन्हा जी डीसी थे, हमने पूरा टूडियो भेजा था कि ये जो प्रोग्राम है वो आपका हवाई अड्डा में भी हो सकता है, खेल का एक ही जगह पे है, बाकी तो सब अतिक्रमण कर लिया गया है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने अभी के बहुत अच्छे हैं जी, निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि वो इस पर विशेष ध्यान देंगे। और ध्यान देने के अलावे जितने भी खिलाड़ी हैं उनको भी ध्यान देना है। आज मान लीजिए यहाँ टीम अगर आस पास अभी जो यहाँ पे लड़के रहते खेलने के लिए जो ट्रेनिंग देने वाले पानी के कारण छोड़ देने, तो जो भी उनके संचालक है जिनके अंदर में देख रेख में, कम से कम वो व्यवस्था करिए। आप पहाड़ी से पानी लाइए, दूर से लाइए, 200 मीटर दूर से लाइए, 100 मीटर दूर से लाइए, आप बनियाड़ी से लाइए, आप आसपास जब यहाँ पे डीसी ऑफिस को पानी मिल सकता है तो इस स्टेडियम में जो सुबह सुबह 100 लोग आते हैं उसको भी पानी मिलना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, हरा होना चाहिए। ये जो घास फूस देखते हैं अगर बढ़िया तरीके से सप्ताह सप्ताह में, यदि अगर सप्ताह डेढ़ सप्ताह बरसात के दिनों में ये घास फूस होता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और उससे भी बड़ी बात, यहाँ क्रिकेट एसोसिएशन, झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से नम्र निवेदन है कि बड़ा बड़ा मैच जो भी आप अंडर 16, अंडर 17, अंडर 19 आदि देते हैं, आप अगर रणजी मैच दे देते हो, हम आग्रह करते हैं कि
ही निश्चित तौर पर बेहतर होगा। और अभी हाल के दिनों में इस स्टेडियम में हम प्रयास कर रहे हैं, हमारा एक सोच है, क्योंकि एक सपना है, यहाँ पे मोहन बगान और आपका मबडन स्पोर्टिंग का एक फुटबॉल का मैच करवा दें और पूरे गिरिडीह में इसका प्रचार प्रसार करें निश्चित तौर पर। चलिए, सोच आपकी बहुत अच्छी है, बड़ी है और उद्धार होगा खेल का और खेल की प्रतिभाओं का भी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या फुटबॉल में जिस तरह की आप सोच रखते हैं उस लेवल और उस स्तर का मैच यहाँ पर करवाना संभव है? और जो दिन लोग आते हैं, खेल कूद होती है, प्रतियोगिताएं होती है, या फिर विभाग इस मामले में सक्रिय है, ऐसा कुछ आप? हालांकि एक बहुत बड़ा समस्या जो यहाँ का सामने आया है वो है पानी का। यहाँ पेयजल की व्यवस्था तक नहीं है। पेयजल की व्यवस्था अगर एक स्टेडियम में ना हो तो फिर मोहन बागान और मोहम्मदन स्पोर्टिंग जैसी टीमों का यहाँ खेल कैसे संभव हो सकता है? जिला प्रशासन को निद्रा में सोई हुई है, खेल विभाग इन पूरे मामला से अनभिज्ञ है, यहाँ के समाजसेवी गाहे बगाहे समय अंतराल पर मुद्दों को उठाते हैं फिर शांत हो जाते हैं, जिसको लेकर स्थिति जो है उसमें सुधार नहीं होती है, मामला जो जस का तस बना रहता है। उम्मीद करते हैं कि हमारा एकमात्र जो शहर का ये स्टेडियम है, प्रमुख स्टेडियम है, मेन स्टेडियम है, इसकी दशा अपेक्षा को प्रशासन संज्ञान मिलेगी, विभाग संज्ञान मिलेगा और आने वाले समय में यहाँ पर जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, उनका दूर किया जाएगा और रेगुलर बेसिस पर समय अंतराल पर जो है यहाँ पर विभिन्न खेलों के अच्छे जो प्रतियोगिता है जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय, उनका भी यहाँ पर आयोजन होगा। धन्यवाद।